बताओ ऐसे क्यों खड़े? क्या हुआ बता दो, खुद बता दो, मैं बताऊं, जल्दी बता दो। बोला बन रहा, बोला बोला सच में मेरा इतना बड़ा बैग है। कह रहा मेरा बैग बड़ा है। कैसे टूटा मैडम का कांच? मैं ज्यादा था अभी तो कांच में रखा हुआ था, टूट गया, नीचे गिर गया। फोटो खींच के लाया? उसकी बात ही नहीं है, वो भी छोड़ो, टूट गया टूट गया, जो भी था ट्यूशन पे जो भी टूट गया वो भी टूट गया। और बता दे भाई मैडम कह रही मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रही इसको। क्यों? आती कह रहा भूख लगी इसको, चाउमीन माउमीन दी मैडम ने, पूरे टेबल पे खिलार दी, पूरी जमीन पे खिलार दी। मैडम कह रही बच्चे छोड़ के मैंने सफाई करी। मैडम कह रही मेरा रोना निकल गया, इसने इतना तंग करा आज, इतना तंग करके आया। कंप्लेंट लेके आता है इतने दिन बाद तू ट्यूशन गया है? चीकू मुझे गुस्सा मत दिलाया कर, तू सुधर जा। और आते ही बहाना लगा रहा मेरा बैग बड़ा है, ये क्यों बात हुई ये बताओ। चल वो नुकसान कोई बात नहीं, वो तेरे से गलती से टूटा, लेकिन जो तू खुद से करके आया वो क्यों नहीं बता रहा? तंग करा बहुत इसने सारा ट्यूशन आज। सब मैं पूरा डिस्टर्ब हुई, किसी बच्चे को नहीं पढ़ा पाई। मगर बच के आंसू दिखा देगा निकल के, दो मिनट में भूल जाएगा ये। अब आज भूल के तो दिखा दे इसको, हड्डियां तोड़ूंगी इसकी मैं। अब ट्यूशन बताओ, मैंने कहा ट्यूशन नहीं पढ़ा रही इसको मैं। ये हीरो बन रहे ना तो ज्यादा, मैं सब मारूंगी मुंह पे, निकल इनको, बनाऊंगी तुझे हीरो, मैं थप्पड़ मार दूंगी बता रही हूँ। उठ निकल। क्यों भाई क्यों? देखो पढ़ने लिखना नहीं है, कहीं नौकरी भी लगा देंगे। बोल दे अपने पापा को कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे जॉब पे लगा दो। ट्यूशन कहाँ लगाए वो देखो पहले। अब एक तो छुट्टी है, ऊपर से ट्यूशन भी नहीं जाएगा। बोला क्यों अंदर से? अगर मैडम ने मुझे बोला तो देखते रह क्या हाल करूंगी मैं अभी। किसलिए इतना पैसा लगा रहे तेरे ऊपर? ट्यूशन तो निकाल दे इसको आज। क्या करूंगी इतने बच्चों का मैं? तेरे नेक्स्ट कदम पे वो चलेंगे सारे। रोके मत दिखा मुझे, अभी थप्पड़ मारा नहीं है मैंने, बिना मारे वो रो रहा है। बोला बन रहा था ना भाभी, खेलने के लिए टॉय लेके गया था ये। पढ़ने जाता है खेले जाते हैं। लोग कहते हैं भैया जब बच्चे आ जाते हैं छोटे घर में तो बड़े बच्चे की केयर करना बंद कर देते हैं माँ बाप, और इसकी तो पूरी केयर हो रही है। हमें छोड़ छोड़ के इसको घुमाने लेके गए कि चल बच्चे की छुट्टी है बच्चा घुमाएगा। मैंने ये दो दिन पहले ही बोला था, मैंने कहा तेरे को ट्यूशन से अगर मैम ने निकाल दिया तो क्या होगा, बोला था ना। कल की बात है भैया, कल की बात है, कल परसों बोला था मैंने। चीकू की मैम का नंबर निकाल। इलाज रोज नए नए कपड़े पहनने के लिए चाहिए, तुझे रोज नए नए जूते चाहिए ठीक है, और तुझे रोज नया टॉय चाहिए होता है, पर तुझे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी तुझे। पढ़ाई ना करे मंजूर भाभी, थोड़ी बहुत सुनो तो, थोड़ी बहुत मंजूर, लेकिन दुखी ज्यादा करता है फिर भी। वो सारी ट्यूशन को दुखी करके आए आज। एक काम कर, कोई नहीं पढ़ाएगा तुझे, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अगर मैम ने पढ़ाना छोड़ दिया तो अभी जाके आऊंगी इसकी मैम के पास। नहीं उठा रही मैम फोन, अभी जाके आऊंगी बच्चों को, अभी जाके आऊंगी। धैर्य को फोन लगा, धैर्य नहीं है घर पे, नहीं है, नहीं लगा फोन, मेरे फोन पे आया था, दियो फोन मेरा। बताओ भाई क्या करना चाहिए? हॉस्टल ढूंढ, ढूंढना पड़ेगा भाभी, हॉस्टल ढूंढ इसको। अब तीन बच्चे हैं मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हॉस्टल भेज। इसकी पढ़ाई कैंसिल करवा, वहाँ से स्कूल से नाम कटवा, हॉस्टल में डाल इसका, पीसी निकलवा इसका स्कूल से। घर पे देखो रोटी नहीं खाई जाती है, वहाँ पे चौमिन खाएगा, यहाँ सारे दिन पीछे घूमते रहते हैं। चीकू कुछ खा ले, चीकू कुछ खा ले। रोके मत दिखा, अभी मारा नहीं है मैंने, मारा नहीं है अभी मैंने। तब मैं तेरे पीछे घूमती हूँ, चीकू ले ऑमलेट खा ले, चीकू रोटी खा ले, चीकू नारियल पानी पी ले, चीकू ये खा ले वो खा ले। मुझे सुबह कह रहा है अब ना मैं डाइट वाला खाना खाऊंगा, मेरे ना सब कुछ बंद है बाहर का, ऐसा मारूंगी झूठ बोलेगा तो, मैम का नाम लेगा तो। वो अपने हाथ से खाएगा जब भी खाएगा, और खाना ना खाए ना शांति तो मुझे बता तू पिटेगी फिर। मैं भी जा रही हूँ अंदर रूम में, कल को देखो कुछ भी हो सकता है, कोमल को लेके ये चीज ना करें। जब भी जहाँ भी जा रहे हैं फिर चलेंगे हम कलिया शरीफ। तो हमने अभी छिपकली के लिए ये वाले बैंड मंगाएगा, ये हम नहीं लगाएंगे, हमें ट्यूबा लगाएगी शोरी शोरी बच्ची। पापा डॉक्टर की, पापा डॉक्टर की, आप शोरी शोरी नहीं करते हो, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि उसे गोद में सोना है। तीनों भाई व्हाइट कलर का बैंड पहन के, मेरा मन है कि ना ये वाले छुनछुने पहले के लोग बहुत जीते थे। हफ्ते में कितने बच्चों को डांट दे सकते हैं, कितने मार सकते हैं। और उठ गया ये, मैंने इतने प्यार से लिया था इसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 12 बजे, और आप लोग देख के हैरान हो गए होंगे कि पायल आज इतना रेडी होके क्यों बैठी है। तो मैं रेडी होके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे कॉर्ड सेट वगैरह मंगाए थे BMS वुमन से, तो वही कॉर्ड सेट मैंने और गुलू ने पहना है और रेडी हो गए हम, क्योंकि अरमान जी ना आने वाले हैं अभी और चीकू भी आने वाला है। तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से बन जाते हैं, वो हमेशा हमें ऐसे देखते हैं घर में नाइट शूट्स वगैरह में, तो आज थोड़ा सा अच्छा लगेगा उन्हें भी देख के, चलो बच्चे आज रेडी होके बैठे हैं। तो गाइस हमारे जैद का हेडू देख लो, बोल रहे कि इसका हेडू है, इसकी पैर पे बैठ गई थी, पागल सी। सॉरी सॉरी सॉरी, और गोलू जो है जैद के पैर पे बैठ गई थी, सॉरी चिल्ला रहा है, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माय हार्ट। नमस्कार गाइस, तो अभी अभी भैया हम पहुंचे हैं घर हरिद्वार से, और बहुत सारी मस्ती की, सारे दर्शन किए, सब कुछ किया। तो एक जरूरी बात करनी है आप सभी लोगों से, आप सब हमारी फैमिली है। देखो क्या ना, अभी कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं स्नेहा के, पारस भाई के, दोनों
दोनों की फैमिली है वो, आज नहीं तो कल वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पर इस चीज के बीच में ना देखो सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रही है वो कर रही है कोमल। देखो कोमल की जो पर्सनल लाइफ, पीछे की कोई भी लाइफ थी, आप उसको वीडियोस बना के फोटोज लगा के शेयर ना करें, उसकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। एक बहन है वो हमारी, सबकी बहन है, आपकी भी बहन है, तो उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी भाई। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ने वीडियो डाल रखी है उसको आप हाइड कर दो, कल को देखो कुछ भी हो सकता है, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। बाकी पायल क्या कहना चाहती हूँ? मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। देखो उस लड़की की शादी हो चुकी है, अब वो एक अलग फैमिली की मेंबर हो चुकी है, तो उसकी ये सब वीडियो पुरानी वीडियो से, पुराने उसके जो भी अतीत था उससे ना उसकी फैमिली पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और शायद पड़ भी रहा हो, आप लोगों को पता नहीं चल रहा हो, शायद पड़ भी रहा हो। तो जिसने ये सब काम किया है ना, वीडियोस डाली है, पुरानी फोटोज डाली है, वो या तो डिलीट कर दीजिए या उसे प्राइवेट कर दीजिए। तो गाइस जितने लोग भी सुन पा रहे हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो आप ये नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ उठा के आप सोशल मीडिया पे डाल दो। ठीक है स्नेहा पारस का चल रहा है, आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगे, अभी बहुत छोटे हैं दोनों, 23 साल के हैं, एक 20 साल की है, 22 साल की है, तो आज नहीं तो कल इनको चीजें समझ आ जाएगी। आदमी का दिमाग जब खराब होता है ना कुछ गलत कर देता है। पर इसमें कोमल की क्या गलती है? कोमल अपनी लाइफ लेके अलग बैठी हुई है, तो कोमल को आप इन्वॉल्व ना करो, उसको अपनी लाइफ जीने दो, पुरानी वीडियोस मत डालो। किसी का घर खराब हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, चंद व्यूज के लिए आप ये हरकतें कर रहे हो। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, देखो हमारी बहन है वो, और बाकी स्नेहा और पारस का इशू, आज नहीं तो कल उनका भी ठीक हो जाएगा। चीजें हैं खराब हुई हैं, ठीक भी होंगी, तो हो जाती है गलतियां इंसान से, दोनों से गलतियां हुई है या नहीं हुई है वो जाने। पर मेरा जो मोटिव है, कहने का मकसद है, वो सिर्फ कोमल के लिए, कोमल को लेके ये चीजें ना करें। तो गाइस अभी अभी ना जैद से मेरी बात हुई है, और कह रहा पापा अगली बारी हरिद्वार मुझे लेके जाना। तो मैंने बोला था कि यार हरिद्वार अभी नहीं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा सबसे पहले तुझे वैष्णो देवी, उसके बाद हम चलेंगे अजमेर शरीफ, फिर चलेंगे हम कलिया शरीफ, उसके बाद जाएंगे हम जीन माता जो हमारी कुल देवी है, फिर हम जाएंगे निजामुद्दीन, ठीक है? हर जगह से मांगा हुआ ये पीस है ना, और जो वो मांगा हुआ है। अभी मैं निकल रहा हूँ हरियाणा के लिए। तो गाइस बस अभी अभी हम वर्कआउट करके नीचे आए हैं, तो गाइस पूरी टीम हो गई रेडी, तो हम निकल रहे हैं भैया रोहतक के लिए। स्पेशल गेस्ट हनुमान मलिक जी, जोरदार तालियां उधर रहे के लिए। सर देखो अभी क्या पहले से भी बॉलीवुड जा रहे हैं। जय हनुमान, जय हनुमान। तो गाइस बहुत मजा आया, थक भी बहुत ज्यादा गए हैं, बस अभी निकलेंगे घर के लिए। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर पे, और भैया ये रास्ते में नींद आ गई थी, और ट्रैवल था हमारा यहाँ से 3 से 4 घंटे का। पाल की कॉल आया, मैंने फोन साइलेंट कर रखा था। हाँ भाई, हाँ मैं समझ गई थी, मैंने एक कॉल किया फोन साइलेंट में, मैंने यही पहले क्या बोला, मैंने कहा सो रहे हूँ। तो गोलू और पाल भैया आज पहुंचे थे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके जैद और चीकू की हाइट चेक करवाई, तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला कि दोनों की हाइट आपसे लंबी जाएगी। मुझसे? नहीं नहीं पागल है, आपकी 5'11" है ना, इनकी 6 फीट जाएगी दोनों की। चीकू तो छोटा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, बाप तो हूँ, चल लंबे चले जाओ, क्या होगा। तो गाइस मेरे ना दिमाग में ना बड़े टाइम से क्वेश्चन घूम रहा था, मुझे ऐसा ना लग रहा था, पायल को भी लग रहा था कि जैद ना उसका हेड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ उन्हीं से पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर ने इसका हेड है ना वो इंची टेप से नापा, और सब कुछ बताया कि इसकी एज के हिसाब से जो इसका हेड है ना बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी हाइट भी देखी, और ये भी बताया कि जैद की हाइट ना काफी लंबी होगी। तो मम्मा और बेटी की सेम सेम, देखो हम दोनों सेम लग रहे हैं। तो गुड्डू मैं भी पीछे नहीं रही, देख लो मैंने भी सेम तुबा वाली टी शर्ट पहनी हुई। एक्चुअली टी शर्ट तो अरमान जी की थी, पर ना फिर हमने ले ली थी क्योंकि हमें थोड़ी लूज लूज टी शर्ट पहननी थी। दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों ना एक साथ रहते हैं, एक साथ इनको दूध चाहिए होता है, एक साथ सोते हैं। अगर आपको भी जुड़वा बच्चे करने हैं तो ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दीदी अंदर चले गई आपकी, जब बच्चे बड़े हो जाते तो हम बोलते वापस छोटे हो जाए, जैसे ग्रहण आ जाते हैं कि यार ग्रहण में कुछ होना चाहिए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जब तक अंदर है ना हमें ये टेंशन रहती है, बच्चे बोलते हो, बच्चे सुनते हो, बच्चे देखते हो, और होने के बाद ये टेंशन रहती है अरे ये सो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी टीम है इन हाउस टीम, 22 लोगों की टीम, और एक टीम में हमारी ये लड़की इंक्लूड हो गई। अब ये करने वाली है वर्कआउट, गोलू और पाल भी करने वाली है वर्कआउट। तो हम हरिद्वार गए, अच्छी जगह पे गए, और आपने शायद नोटिस नहीं किया कि हमने सेम कपड़े पहने होते, जो यहाँ थे वो वहाँ थे। तो गाइस एक प्यारा सा कमेंट और है मिसाबा चौधरी जी का, हैट्स ऑफ लेडीज, आई सॉ सीन योर व्लॉग सिंस I never seen you both ladies sitting or resting as this day. ये पायल की वजह से आती है। तो इसका जो कमेंट है ये बहुत ही प्यारा कमेंट है, मतलब कि हमारे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि हमारी दोनों का सी सेक्शन हुआ है, इसके बावजूद भी हम हर चीज को हैंडल करते हैं। तो इसका सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है पायल। इसका पेट दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा पेट? देखो हाँ दवाई दो, पेट टाइट हो रहा है ना,
बाश मेरा बच्चा बाश बेटी तारीफ ज्यादा कर दी तुमने बाश तारीफ तो क्या गुड्डू लोगों के भी ना इतने बुरे बुरे कमेंट आते हैं कभी कभी गुस्सा आता है सुन के क्या हो गया एक का कमेंट आया हुआ था कि ना बाकी दो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन तू ना बहुत गंदी दिखती बोलने दे लोग जलील होते हैं तुझे पता है क्या हां मैं बेटी को दुबई दूंगी मैं दुबई दुबई अभी 10 मिनट में ठीक हो जाएगी मतलब वही करते हैं 10 मिनट में जिनके बच्चे पैदा होते नहीं पता तेरे को तो जिंदगी में मतलब ना अपने सगों के होते ना अपने बच्चों के होते जो यार एक छोटे से बच्चे पे हैं कमेंट कर सकते हैं वो इसकी सोच कैसी होगी बता तुम मत रोना ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए जब 99% अच्छे लोग हैं ना 1% बुरे भी होते हैं दादी से स्टोरी सुनती थी दादा सुनाते थे दादा सुनाते तेरे लक्ष्य कोई नहीं सुनाता था तो आंटी जी सुन रहे हो आप ये बात ये लड़की बोल रही है मम्मी यहाँ स्टोरियाँ नहीं सुनाती ऐसा है तू बा क्या हुआ पेट में दर्द ले जाना हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल हॉस्पिटल